hello children i hope you all are good today we are going to discuss very interesting topic of your sst that is going to be categorized in history chapter number 6 the name of the chapter is the first war of independence 1857 and in this chapter we are going to discuss the different different stories different different rebels and revolt about the freedom struggle of india and that to 1857 revolt which is considered as the first war of independence for india so let's start the chapter how this 1857 revolt originated and spread in the different parts of the india so Beta, what happened? The tribals, the peasants, the other communities—they were now discontented with the British policy. we British had introduced lots of policies which are not in the favor of the different, different communities of the India. Whether it the tribals, ho, wo landlords, ho, educated middle elite, ho, and businessmen. अब सबको ना थोड़ा सा लग रहा था कि ये जो आए हैं दे आर ट्रबलिंग अस दे आर इंटरफेयरिंग इन आर पॉलिटिक्स इन आर सोशल लाइफ इन आर इकोनॉमिक लाइफ इवन इन आर नेचुरल लाइफ तो बहुत सारा ना डिसकंटेंट हो गया अलग अलग कम्युनिटीज में और ये जो डिससेटिस्फेक्शन था दैट गेव अ राइज द स्पार्क टू द 1857 फिफ्टी और कहानी शुरू होती है विद द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 व्हेन द कंपनीज इम्पीरियलिस्टिक एंबिशन फॉर ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर टेरिटरीज दैट इज वैरायटी ऑफ मींस वर यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू कैप्चर द इंडियन रीजन वॉर भी किया उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस भी किया उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लेकर आए ये जो पॉलिसीज लेकर आए ना कि चलो भाई युद्ध कर लें हम युद्ध में हरा देते हैं या सब्सिडरी अलायंस करके हम अलायंस करेंगे अदर स्टेट्स को या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को लाके जिसका कोई भी नेचुरल हेयर नहीं होगा वो स्टेट हमारे पास आ जाएगा ऐसी मतलब बेकार की पॉलिसीज और उन पॉलिसीज के थ्रू आप इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को अपने कंट्रोल में ले रहे हो इट हैड ऑल्सो रियलाइज दैट द इंडियन पीपल लैक्ड नेशनलिस्ट फीलिंग उस समय उन्हें लगता था कि इंडियंस के अंदर ना नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं है क्यों क्योंकि वो सिर्फ ऐसे ही जी रहे हैं राजाओं के अंदर जी रहे हैं दे फेल्ट मोर फॉर द रीजन एंड रिलीजियस देन द कंट्री और ये ब्रिटिशर्स ने सही पहचाना था कोई गलत नहीं था उस समय लोग अपने आप को सिर्फ अपनी आइडेंटिटी अपने राजा या अपनी रानी के नाम से बताते थे अपने धर्म को बचाना अपने राजा को बचाना अपने राज्य को बचाना ना कि पूरे देश भारत के बारे में सोचना और इसी का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया दे न्यू डैट वन सेक्शन ऑफ पीपल वेन गोइंग टू बी रिवॉल्व अदर आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैम दिस डिस यूनिटी इनकरेज द ब्रिटिश टू ऑक्यूपाई मोर एंड मोर टेरेटरी इन इंडिया ब्रिटिशर्स को यह भी पता था डैट इंडियन कुड प्रूव टू बी अ गुड सोल्जर्स तो उन्होंने क्या किया इंडियंस को ही रिक्रूट करना शुरू कर दिया अपनी ही आर्मी में 1856 तक मोर मोर एंड इंडियन इंडियन सोल्जर्स सोल्जर्स देन द द ब्रिटिश वर देयर इन आर्मी यानी कि जो ब्रिटिश की आर्मी बनी थी ना इंडियन आर्मी उसमें आप देखोगे उस ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटिशर सोल्जर कम थे और इंडियन सोल्जर्स ज्यादा थे उस समय थ्री आर्मी उन्होंने बनाई बॉम्बे आर्मी मेड्रॉस आर्मी एंड बंगाल आर्मी ट्रेडिशनली क्या होता था सोल्जर्स जो होते थे ना इंडिया में उन्हें कहा जाता था सिपाही के सिपाही हैं राजा के सिपाही आ रहे हैं लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने क्या कहलाना शुरू किया सिपाही आल द इंडियंस फॉर विनिंग वॉर्स आफ्टर वॉर्स फॉर द ब्रिटिश ये वर ग्रेटली डिस्क्रिमिनेटेड ये उन्हें समझ में आया कि हम ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे हैं किसके लिए काम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के लिए और ब्रिटिशर्स के लिए हम वॉर लड़ रहे हैं उन्हें जिता भी नहीं है। डिस्पाइट ऑफ दैट उस ब्रिटिश आर्मी में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है Until 1856, रीजन एज द रिलीजियस सेंटिमेंट टू वर थ्रेटन बाय द ब्रिटिश सो ओवरऑल ब्रिटिशर्स की पॉलिसी कहीं कई जगह कन्वर्जन कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ डिस्क्रिमिनेशन इन द आर्मी द ऑल गेव द वे टू टू द रिवॉल्ट लोग अब डिससेटिस्फाइड होना शुरू हो गए कि हमारे धर्म को हर्ट किया जा रहा है सती प्रथा को उन्होंने बैन लगाया तो उन्हें लगा कि भाई ये तो बहुत पहले से चली आ रही है चाइल्ड मैरिज को बैन लगाया विडो मैरिज को उन्होंने अलाउंस uh, दिया तो ये काम तो सही थे गलत तो नहीं थे सती प्रथा बैन करना भी सही था चाइल्ड मैरिज को बैन करना भी सही था और विडो री मैरिज अलाउड करना ये भी सही था बट जो ऑर्थोडॉक्सी हिंदू थे उन्हें ये लग रहा था ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है हमारे रिलीजियस फेथ में द इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट बाय द रिलीजियस ग्रुप्स अकर्ड बाय द सन्यासीज इन बंगाल देन वहाबीज इन बरेली बिहार एंड बंगाल एंड फ़कीर इन ईस्टर्न इंडिया ये वो रिलीजियस ग्रुप थे जिन्होंने डायरेक्टली रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेन बट ऑफकोर्स

लोकेशन बंगाल में सेवनटीन सिक्सटी फोर में सिपॉयज ने रिबल किया था वेल्लोर well में 1806 में किया था बैरकपुर बेंगाल में 1824 में किया था एंड अगेन एट द सेम प्लेस इन 1844 नंबर ऑफ रिवॉल्ट अड अठारह सौ की क्रांति से पहले बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट हुए थे अंबाला में बरकपुर में फतेहपुर में हावर वर्दीज रिवॉल्ट रिमेन लोकल इन नेचर तो उनको इतनी सिग्निफिकेंस हिस्ट्री में नहीं मिली क्योंकि वो अपनी लोकेलिटी तक ही सीमित रह गए बट ये सारे के सारे जो रिबल्स थे वो एक आग लगा गए एक चिंगारी दे गए एक स्पार्क दे गए एक बिग रिवॉल्ट को एंड डैट वॉज अपराइजिंग ऑफ 1857 फिफ्टी सेवन एंड फिफ्टी इसके बहुत सारे कॉजेज थी बेटा इस क्रांति के पहला कॉज जो था डेट इज पॉलिटिकल लेवल पे पॉलिटिकल काजेस ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे दे ऑक्यूपाई द टेरेटरी आफ्टर टेरेटरी अब मेरे घर में आके मेरे देश में आके एक एरिया ले लिया दूसरा एरिया लिया तीसरा एरिया ले लिया तो मैं चुप थोड़े ना बैठूँगी लड़ूंगी बेटा सेम ऐसे उन्होंने वॉर किया फिर सब्सिडी अलायंस पॉलिसी निकाल दी फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी निकाल दी और इस तरीके से वन बाय वन दे अनेक्स द डिफरेंट टेरिटरी, लाइक अवध को 1856 में उन्होंने अपने में मिलाया क्या चार्ज लगाया मिसगवर्नेंस का कि अवध के जो नवाब हैं वाजिद अली शाह उन्हें गवर्नेंस नहीं करनी आ रही अब हम चलाएंगे देश इतने सालों से तो वही चला रहे हैं अवध को बट नहीं ये चार लगाया मोस्ट ऑफ द सिपाही इन बंगाल आर्मी केम फ्रॉम अवध उन्हें गुस्सा आया कि हमारे ही नवाब को हटा दिया और हम आपकी आर्मी को सर्व कर रहे हैं सिमिलरली नाना जी ही वॉज द अडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू वॉज नॉट अलाउड टू पेंशन आप उनके बेटे नहीं है आपको नहीं मिलेगा कुछ भी आप अडोप्टेड सन है विच कॉज द वाइड स्प्रेड एंगर अमंग पीपल तो ये पॉलिटिकल कॉज था सोशल एंड रिलीजियस कॉज की बात करें सो हिंदू सोसाइटी में अपने ही एक रिलीजियस कस्टम चलते थे कास्ट हाई राइट की होता था वर्ण सिस्टम चलते थे दे डिड नॉट लाइक टू मिंगल अप द अदर कास्ट पीपल स्पेशली द लो कास्ट और अनटचेबल, बट इन द रेलवे दे हैड टू सिट एंड ट्रेवल टूगेदर सम इंटरफेरेंस इन द हिंदू पर्सनल लॉज वर ऑल्सो वेरी डिससेटिस्फेक्ट्री फॉर दैम हालांकि हमें अच्छा लग रहा है कि सती कस्टम को उन्होंने एबॉलिश किया ये बहुत अच्छी बात थी लेकिन जो प्रीवियसली ऑर्थोडॉक्स हिंदू पीपल थे उस समय उन्हें बुरा लगा कि हमारे कस्टम से उन्हें क्या लेना देना है द इंग्लिश एजुकेशन वॉज ऑल्सो लुक्ड एट विद द सस्पिशियस क्योंकि जो इंग्लिश एजुकेशन वो लेकर आए कहीं ना कहीं ये शक हो रहा था कि उसमें वो पढ़ा रहे हैं कि वी आर प्रिमिटिव एंड दे आर एडवांस्ड एंड दे ट्राई टू कन्वर्ट द इंडियन चिल्ड्रन इंडियन पीपल इन टू द क्रिश्चैनिटी जो काफी हद तक वो सफल भी हुए थे देन इकोनॉमिक कॉजेज की बात करते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू मेक मनी एंड मनी एंड मनी इकोनॉमिक पॉलिस जो थी उन्होंने सबको रोइंड कर दिया चाहे वो लोकल क्राफ्ट हो चाहे वो फार्मर्स हों चाहे ट्राइबल कम्युनिटीज हो चाहे आपके रूलर्स हों हो, या मर्चेंट्स हों लैंड लॉर्ड्स हों सब द इंडियंस वर एम्प्लॉयड इन द कंपनी बट कंपनी में इम्प्लॉयड करने के बाद कभी ना उनको प्रमोशन मिली अच्छी ना कभी उन्हें अच्छे लेवल का जो है स्केल मिला सैलरी स्केल मिला उनके ऊपर हमेशा एक ब्रिटिश जो था वो ऑफिशियल रहा तो इतना पढ़ने के बाद या इतना हार्ड वर्क करने के बाद जब वहीं रहना है मुझे आपके अंडर ही रहना है तो कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम हो रही थी डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रहा था कॉमन पीपल में मिलिट्री कॉज की बात करें तो ये तो इमिडिएट कॉज हो गया नहीं मिलिट्री कॉज भी लंबे समय से चला आ रहा था क्योंकि मिलिट्री में क्या था डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था आर्मी में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था वर नॉट अलाउड टू वेयर देयर रिलीजियस मार्क हम पहन लेते हैं ना कई बार अपने गले में अपने भगवान से रिलेटेड कोई माला पहन ली हाथ में कोई कड़ा पहन लिया उन्हें अलाउड नहीं था इंडियन सीपॉइज वर ट्रीटेड वेरी बैडली इन द आर्मी वर ऑफन पनिश्ड इन फुल पब्लिक व्यू कोई माइनर सा भी फॉल्ट होगा ना पब्लिकली उन्हें इंसल्ट कर दिया जाता था उनको जो है सेम ऑफेंस के लिए उनको हार्श पनिशमेंट मिलती थी और ब्रिटिश सोल्जर्स को नहीं मिलती थी द द वर ऑन सेवरल थीजन सेंट आउट ऑफ द कंट्री ब्रिटिशर्स को भेजो ना नहीं इंडियन जो सोल्जर्स थे उन्हें बाहर भेजा जाता था बर्मा में जाके लड़ाई करो यहाँ लड़ाई करो वहां करो देश से बाहर भेजते थे सैलरी अच्छी नहीं मिलती थी प्रमोशन नहीं मिलता था तो ये लंबे समय से मिलिट्री में भी जो है अपराइजिंग हो रही थी एक बेस बन रहा था कि हमारे साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना वट द ब्रिटिश हैड डिसकंटिन्यूड द फॉरन सर्विस अलायंस कॉल भत्ता विच एडेड टू देयर डिसकंटेंटमेंट हमें क्यों नहीं मिलेगा ये अलायंस मना कर दिया जी नहीं मिलेगा इन सभी कारणों से कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि अब कोई बड़ी क्रांति होगी लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इमीडिएट 1857 की रिवॉल्ट हो गई डेट वॉज इमीडिएट कॉज ऑफ अपराइजिंग और वो था बेटा इन्फील्ड राइफल ब्रिटिशर्स ने एक इन्फील्ड राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस की थी जिसमें एक कार्ट्रेज था वो कार्ट्रिज वो गोली जो थी ना उसपे जो कवर था ना ऐसा ये रूमर फैला था या सही था कि उसका जो पेपर था उसको मुंह से बाइट करना था उसके बाद वो निकलती थी कार्ट्रिज उसको गन में लोड करके फिर फायर होता था अब प्रॉब्लम क्या थी कि वो कार्ट्रिज जो था वो ये बोला गया कि उसका कवर जो है वो काव और पिग वो जो पेपर है ना जिसे मुंह से फाड़ना था वो काव और पिग के फैट से बना हुआ है इट वॉज ग्रीसड विद डेट अब काओ और पिग हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं ऑफेंड करते हैं और जब उन्हें फोर्स किया गया नहीं मुंह से छिलो उन्हें उन्होंने कहा ये ग्रीस तो काओ और पिग के फैट से बनी है, हम नहीं छिलेंगे हमारे धर्म को भ्रष्ट करता है तो उन्होंने जबरदस्ती उन्हें कहा तो रे स्टार्ट हो गई बहुत जगह प्लेस पे द फर्स्ट अकर एट द बरकपुर बाय मंगल पांडे हाउ एवर अपार्ट फ्रॉम मंगल पांडे अदर सिपाही डिड नॉट कम टू डू हिज हेल्प एट दैट टाइम गुस्सा सबको था कोई करना नहीं चाहता था जब मंगल पांडे आया तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था ना नहीं किया पकड़े गए उन्हें फांसी पर लटका दिया गया आठ अप्रैल अठारह सौ सत्तावन एंड दिस न्यूज ट्रेवल टू ऑलिट कॉजिंग डिससेटिस्फेक्शन अमंग ऑल सिपाहीज द ब्रिटिश फेल टू सी इट और उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हीं की आर्मी में सिपाही जो हैं क्रांति छेड़ देंगे नाउ The uprising द its एट इट्स learning लर्निंग lesson फ्रॉम द स्मॉलर revolts occurring एट द अदर प्लेसेस ब्रिटिश नाउ डिसाइडेड टू यूज द cartridge एट Meerut. जब आप देख रहे हो कि इस कार्ट्रिज की वजह से बहुत ज्यादा रिबेल हो रहा है तो आपको ये रोक देना चाहिए था पर ब्रिटिशर्स को लगा होने दो एक दो सिपाही मारे जाएंगे मेरठ में उन्होंने वो कार्टरेज इंट्रोड्यूस कर दी द सिपाही वर फोर्स देयर ना, ऑन ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल 90 ऑफ रिफ्यूज नहीं हम नहीं ये कार्टरेज यूज करेंगे बिल्कुल भी नहीं ये हमारे धर्म के खिलाफ है हिंदू मुस्लिम ने मना कर दिया अब जब सबने मना किया सबको अरेस्ट कर लिया गया और कहा गया कि इनको दो साल के लिए जेल दस साल के लिए जेल में डाल दिया जाए वो भी रिग्रस एम्प्राइजनमेंट कटर बहुत काम कराया जाए इन्हें मारा जाए वहाँ पे दे वर सम समय बिलो एटीन ईयर्स ऑफ एज दे वर सेंटेंस टू फाइव ईयर रिग्रेस एम्प्रायजनमेंट सिर्फ इस बात के लिए कि वो मना करें कि हम ये कार्टरेज यूज नहीं करेंगे उन्हें इंस्टल किया गया इंसल्ट किया गया डर बैठाया गया दूसरे सिपाहियों के अंदर ब्रिटिश हेल्ड अ मॉर्निंग परेड ऑन 9th मई 1857 इन एक द सिपॉयज वर ब्रॉट इन हैंडकफ देर क्लोज वर टर्न इन फुल व्यू ऑफ अदर सिपॉयज द इंडियन सिपाही फेल ऑफेंडेड ये क्या किया आपने हमारे सिपाहियों के साथ हाथों को बांध रखा है कपड़े फाड़ रखे हैं मार्च करा रहे हो परेड में सुबह अननम्ड एंड वर्स टूट अंडर दैनन्स नॉट रेज पूरा का पूरा तोप लगी जो बा, बाकी इंडियन सिपाए ये सीन देख रहे हैं गुस्सा भरा हुआ है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि क्या है कैनन है तोप है सामने उस दिन तो वो कुछ नहीं कर पाए बट द अप्राइजिंग टुक प्लेस एट द वेरी नेक्स्ट डे टेंडे some sepoy had gone to local market sadar Bazaar to buy some commodities a rumor spread there that the british were coming to confiscate all weapons at this the shopkeeper and other civilian attacked the british people in the market the sepoy went back to their units कलेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने जाके वेपन्स को जो ब्रिटिश जहाँ पे हथियार रखते थे ना वहाँ पे गए वहाँ से उन्होंने पूरा हथियार को लूटा और पूरा अपने अंडर कंट्रोल में लेके हथियारों को उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दी ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया ब्रिटिश सिम्बुलज बिल्डिंग पर अटैक करना शुरू कर दिया और सारी आर्टिलरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग अपने कंट्रोल में ले ली दे डिसाइडेड टू टू गो डिस उन्हें एक लीडर चाहिए था तो उन्होंने सोचा हम डेली तक मार्च करेंगे Because they could not fight the British at Meerut. Before marching to Delhi, they set free the jailed sipahi. Jail ke ko diya bahar They marched all night, reached Delhi early in the morning next day. And you know, beta, it is believed that sipai from Meerut were led to Delhi by a saint. Mystery revolved about the identity of the saint. कुछ लोगों का माना है कि ऐसा कि कोई एक सन्यासी था एक सिपाही था एक सेंट था जिसने इन सिपाहियों को मार्च कराया दिल्ली तक लेकर आया। वो कौन था उसकी आइडेंटिटी आज तक नहीं पता चली पर चलो दस इसे जो शुरू हुआ दस मई से और ये पहुँचे ग्यारह मई की मॉर्निंग में डेली अब हुआ क्या द इंडियन सिपाही जो डेली पहुँचे थे वहाँ पे ऑलरेडी डेली में जो सिपाही थे उनके साथ मिलकर उन्होंने रिवोल्ट को आगे बढ़ाया उन्होंने अपॉइंट किया जनरल बख्त खान को एज देयर लीडर एंड दे प्रोक्लेम द रिस्टोरेशन ऑफ द मुगल रूल वो बहादुर शाह जफर के पास गए उनसे सपोर्ट मांगा बहादुर शाह जफर को बताया कि ये हमारे राजा हैं हम इनको मानते हैं हम ब्रिटिशर्स को नहीं मानते उस समय बहादुर शाह जफर 82 टू ईर्स ओल्ड थे उन्होंने बोला यही है एम्प्रायर ऑफ इंडिया जबकि बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशर्स ने लास्ट एम्प्रायर डिक्लेयर कर दिया था और ये कहा था कि अब हमारा रूल चलेगा बट बहादुर शाह जफर के Under, उन्होंने ये क्रांति आगे बढ़ा दी द रिवॉल्ट वॉज सडन एंड मैसेव सो ब्रिटिशर्स टेकन बाय सरप्राइज ये क्या हुआ उनको कुछ टाइम चाहिए था रिएक्ट के लिए क्योंकि वो नहीं अलाम थे कि इतनी बड़ी रिवॉल्ट हो जाएगी अब ये अपराइजिंग जो थी वो धीरे धीरे अलग अलग पार्ट में स्प्रेड होने शुरू हो गई ये स्पार्क इंडिया के अलग अलग पार्ट में पहुंचा अवध कानपुर बनारस झांसी आरा रोहेलखंड सेंट्रल इंडिया बंगाल पंजाब एंड द माइनर रिवॉल्ड ऑल्सो टुक प्लेस इन ओडिशा आसाम राजस्थान महाराष्ट्र ऑल्सो यू कैन सी इन द इंडिया मैप बेटा जहाँ पर आपको ये रेड डॉट दिया है दोज वर द सेंटर ऑफ द रिवॉल्ड फॉर एग्जाम्पल झांसी देन आपका बरखपुर दम ग्वालियर कानपुर अवध रोहेलखंड मेरठ तो यू कैन सी देर आर सेवरल प्लेसेस दो सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ओनली द सिपाही ये तो सिपाही म्यूटनी से शुरू हुआ और रिवॉल्ट बन गया लेकिन अब इनको साथ मिला सिविलियंस का जहाँ जहाँ ये जाते थे सिविलियंस भी जो आर्म्स उन्हें मिल रहे थे उन आर्म्स को लेकर इनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया ब्रिटिश पीपल्स पे अटैक करना शुरू किया ब्रिटिश सिम्बलाइज जो भी चीज मिलती थी बिल्डिंग मिलती थी जहां देखते थे अटैक किया जमींदार हो गए पीजेंट्स हो गए ट्रेडर हो गए सब इनको ज्वाइन करने लगे धीरे धीरे क्रांति ने बड़ा रूप ले लिया और रिवोल्यूशनरी वॉर की तरह दिखने लग गया द सिंबल ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी वर डिस्ट्रॉयड एवरीवेयर खजाना दिख रहा है लूट लो मेरठ और दिल्ली के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटर बन गए इस क्रांति के कानपुर की बात करते हैं नाना साहब थे वहां ही वॉज द एडोप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव टू ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हम नहीं मानते क्योंकि आप उनके एक नेचुरल हेयर नहीं है नेचुरल बेटे नहीं है अडॉप्टेड नहीं है आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी कोई अधिकार नहीं मिलेगा ही हैड फोर्स हिम टू स्टे एट कानपुर ही हैड द प्राइजिंग देयर ही कैप्चर्ड द फोर्ट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ पेशवा बस उन्हें भी सपोर्ट मिल गया उन्होंने अपना किला दोबारा से जीत लिया उन्होंने बोला कि यह पेशवास का किला है ही विद द तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला रेजिस्टेड द ब्रिटिश टुथ एंड नील तो कुछ समय के लिए ये लगा कि हाँ भाई ये क्रांति बहुत आगे बढ़ रही है अवध की बात करें तो वहाँ पे बेगम हज़रत महल बदला लेने के लिए तैयार थी जो वाजिद अली शाह के साथ हुआ था अवध जब अनेक्स्ट हुआ था सब्सिडरी अलायंस में उसका बदला लेना था यहाँ उन्हें साथ मिला सिपाहियों का शी रिटेड विद द हेल्प ऑफ अर कमांडर अजाम एंड कैप्चर्ड लखनऊ दोबारा से लखनऊ को अपने हाथ में ले लिया देन सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं अवध के बाद तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी उनका भी अपना हेयर नहीं था कोई नेचुरल तो शी हैज़ अडॉप्टेड अ सन ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कोई अडॉप्टेड सन नहीं चलेगा जिसका अपना बेटा नहीं है नेचुरल वो राज्य हमारे पास आ जाएगा रानी रानी ने मना कर दिया कि शी इज नॉट गोइंग टू अडॉप्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी शी डिक्लेयर डेट शी वुड नॉट गिव हर झांसी किसी कीमत पे नहीं दूंगी झांसी और रिबेल किया शी वॉज ज्वाइन बाय द तात्या टोपे इन हर वॉर शी वॉज वेरी ब्रेव इसीलिए सुभित्रा कुमारी चौहान ने बहुत अच्छे से लिखा है ना खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी बरेली की बात करते हैं रिवॉल्व जो बरेली में हुई उसे खान बहादुर खान जो है वो लीड कर रहे थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई बरेली को कैप्चर कर लिया बिहार में आरा डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं तो अपराइजिंग जो थी वहाँ पर कुंवर सिंह लेड कर रहे थे और आरा डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने भी कंट्रोल में ले लिया था बट आफ्टर हिज डेथ हिज ब्रदर कंटिन्यूड विद द मोमेंट तो यू कैन सी द प्रोमिनेंट फिगर वो महान लोग जिन्होंने अट्ठारह सौ सत्तावन की क्रांति में बलिदान दिया है नाना साहब तात्या टोपे बेगम हजरत महल झांसी की रानी कुंवर सिंह अब हम अवध की कहानी को थोड़ा सा पढ़ते हैं उस पर फोकस डालते हैं अवध वॉज अ लास्ट स्टेट अगर आप देखोगे ना अवध को आज का तो जो ये प्रेजेंट दे आपका सेंट्रल उत्तर प्रदेश है वो अवध है कैपिटल लखनऊ इट्स लास्ट रूलर वॉज वॉज इज शाह जिनको 1856 में मिस गवर्नेंस मिस मैनेजमेंट का चार्ज लगा के हटा दिया गया था जिससे उनके सिपाही जो हैं वो नाराज़ हो गए रेबिलियन बाय द सिपाही एट मेरठ एंड डेली गेव द अपॉर्चुनिटीज टू अवध ऑल्सो कि अगर ये कर रहे हैं तो हम भी रिबेल करेंगे बेगम हजरत महल के साथ मिलकर इन्होंने रिबेल किया थर्टियथ मे 1857 को स्टार्ट की रिबेल द सिपाए दिस इज द रेजिडेंस वे आर द यूरोपियन टुक शेल्टर उन्होंने पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया जहाँ यूरोपियन रह रहे थे जनरल हैवलॉक वॉज सेंट टू रेस्क्यू टू द यूरोपियन बट फेल टू डू सो हैवलॉक आए थे अंग्रेजों को बचाने के लिए लेकिन नहीं कर पाएड इन दिक्कन रिटर्न विद द हैवी लॉस लेटर सर कॉल एन कैम्फिल विद द मोर फोर्स के भाई इन्होंने वहां पे जितने यूरोपियन है उन्हें कैप्चर कर रखा है तो बचाइए जाके डिफ़ीटेड द द एंड कैप्चर अवध इन मार्च 1858 एक साल लड़ाई चली और एक साल के बाद जाके ब्रिटिशर सक्सेस हुए अवध को दोबारा पाने में द ब्रिटिश रिक्ट वेगेंस अपॉन द इंडिया ऑफ पीपल इन कोल्ड ब्लड बेगम हजरत महल शी एस्केप टू नेपाल काफ़ी लोग मारे गए थे अवध में काफ़ी वो नेपाल चली गई देन सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट की बारी आती है ब्रिटिशर्स ने अब हैवी लॉस सफ़र कर लिया था और जो उनको था ना कि वी आर द सुपीरियर वो सुपेरिटी तो दिखानी थी उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो जिनको हम इन्फीरियर कह रहे हैं जिनको हम बैकवर्ड और प्रिमिटिव कह रहे हैं ये भी कभी रिवोल्ट कर सकते हैं दे वर शॉक एंड सरप्राइज हवर दे वर पावरफुल एंड रिसोर्सफुल दे गैदर दियर फोर्स एंड सप्रेस द रिवोल्ट सो ब्रूटली इतना ब्रूटली बेटा कि हम अपनी यादों से निकाल नहीं सकते कि इतना बुरा हमारे साथ हुआ है फीलिंग ऑफ वेंगें उनके अंदर जैसे कोई फीलिंग ही नहीं थी इंसानों को मार रहे हो जानवरों को मार रहे हो किसको काट रहे हो किसको पीट रहे हो क्या कर रहे हो बारबीरियस थे रॉबर्स थे इतनी बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडियन को मारा क्योंकि बेटा हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस वेपन नहीं थे वी आर नॉट सो मच यूनाइट तो वापसी उन्होंने पंजाब लिया पहले द फ्रीडम फाइटर्स वर नॉट वेरी रिसोर्सफुल हमारे रिसोर्स खत्म हो रहे थे पैसा खत्म हो रहा था आर्म वेपन खत्म हो रहे थे इसलिए धीरे धीरे हम लूस पड़ रहे थे नाउ द ब्रिटिश इनडिस्क्रिमिनेटली किल्ड मैन विमेन चिल्ड्रन जो मिल रहा है मार दो सबको ऑफ ऑन दाइड द रिबल्स ऑन द माउथ ऑफ कैन तोपों के मुंह के सामने बांध दो उड़ा दो वॉज दिस द इनह्यूमन प्रैक्टिस आप जेल में डालो क्या कर रहे हो उन्होंने क्रांति क्यों की आपकी गलती की वजह से वेन एवर द ब्रिटिश आर्मी मूव दिहाइंड बिल्डिंग विदेड बॉडीज जला दो ये बिल्डिंग जला दो ये घर अंदर बच्चे हैं बूढ़े हैं क्या है जला दो इन द स्कोर्स ऑफ विलेज द सराउंडेड पीपल एंड पुट दैम टू द फायर पूरा का पूरा गाँव जला देते दे थे मरने दो

रंगून भेज दिया गया लेकिन उससे पहले उनके दो बेटों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया खूनी दरवाजा और फिर उन्हें रंगून यानी कि जो आपका प्रेजेंट डे म्यांमार है वहां भेज दिया गया 1862 में उनकी डेथ हो गई दिस ऑल्सो ब्रॉट अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मुगल रूल अब खत्म ब्रिटिश रूल आ गया इसके बाद नाना साहब नेपाल भाग गए वॉज नेवर हार्ड अगेन पता नहीं फिर उनके साथ क्या हुआ तांत्या टोपे कंटिन्यू टू फाइट कैप्चर दिटी बट कुड नॉट रेजिस्ट तांत्या टोपे भी लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ पाए अब ने री कैप्चर किया बेगम हजरत महल को भागना पड़ा देन रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी बहुत कहते है नी है झांसी फोर्ट शी जम्प डाउन द हाई रैम्प ऑफ हर फोर्ट ऑन हर हॉर्स एंड एस्केप टू काल्पी बहुत मुश्किल है अकेले की दरबार को कूदना बच्चे को लेके घोड़े के ऊपर बैठकर और वहां से फिर वो कालपी गई काल्पी से उन्होंने मदद मांगी और पूरा वो वैरियर कितना ड्रेस्डअप होती थी पीछे अपने बेटे को बांध के पीठ पे विद द हेल्प ऑफ तांत्या टोपे सीज द ग्वालियर एंड सिंधिया टू द ब्रिटिश द रानी डाइड फाइटिंग लेटर तांत्या टोपे वॉज ऑल्सो कॉट एन हैंग टू डेथ बरेली में कुंवर सिंह भी मारे गए द मेजर लीडर ऑफ अदर प्लेस ऑल्सो डाइट फाइटिंग और कॉट यही हुआ क्योंकि एक साल तक लड़ाई लड़ते 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 एंड यही हुआ कुछ मारे गए कुछ पकड़े गए कुछ को फांसी पे लटका दिया गया एंड द लार्जर पार्ट ऑफ द रिवॉल्ट केम टू एंड इन द 1858, सम प्लेसेस में ये 1859 तक चली अब ये जो इतनी इंथोजियाली ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुई आखिर ये फेल क्यों हो गई क्यों नहीं हम अपने आप को आज़ाद करा पाए उस समय ब्रिटिशर्स से बहुत सारे रीजन थे विच वी नीड टू एनालाइज बेटा नंबर वन इट इज गेस्ट दैट अपराइजिंग वाज टू स्टार्ट ऑन थर्टी फर्स्ट एक प्लानिंग हुई थी कि थर्टी फर्स्ट मे को स्टार्ट करेंगे वो प्लानिंग फेल हो गई क्योंकि उससे बहुत पहले टेंथ मे को ये स्टार्ट हो गई तो गड़बड़ हो गई क्योंकि गुस्सा आ गया था सिपाहियों में उन्होंने स्टार्ट कर दी तो अगर आप प्लान हो उस समय तो नहीं होता था ना बेटा इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के आप फोन पे बता दोगे इंस्टा पे बता दोगे सोशल मीडिया पे बता दोगे न्यूज़ में बता दोगे बहुत मुश्किल से प्लानिंग होती थी आपको यहाँ खड़े होना है आपको ये करना है आपको वो करना है अब वो प्लानिंग से पहले ही बहुत पहले स्टार्ट हो गई इसलिए सब फेल हो गया लीडर्स को टाइम नहीं मिला एक्ट करने का यूनाइट करने का एक्सटेंट ऑफ अपराइजिंग सेंटर चीफली इन द नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया या अदर ईस्टर्न इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाया ये सेंटर्ड होके रह गया नॉर्थर्न इंडिया India में इंडियंस एज ऑलवेज नॉट यूनाइटेड ये एक सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर एक ग्रुप अगर सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा ग्रुप ब्रिटिशर्स का लॉयल हो रहा है डैट वॉज रॉन्ग द ब्रिटिश टुक हेल्प ऑफ सिख राजपूत एंड गुरखा रेजिमेंट टू क्रश द रिवॉल्ट इनको साथ नहीं देना चाहिए था पर इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया उस समय ये डिसयूनिटी हमें कहीं ना कहीं ले गई हमें अंतिम पड़ाव पे रिबेल के रिवॉल्ट वॉज वाइड स्प्रेड रिबेल वर ऑर्गेनाइज एट लोकल लेवल नेशनल लेवल की बात नहीं हो रही थी हर कोई अपने अपने लिए लड़ रहा था कोई कॉमन प्लान नहीं था एक्शन का हर एक को अपना राज्य बचाना था अपना रीजन था कोई देश के बारे में नहीं सोच रहा था तो जब कॉमन प्लान नहीं होगा तब भी आप अनप्लान तरीके से तो नहीं जीत सकते द रिबेल लैग्ड रिसोर्सेज हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे उतने हमारे जो आ, आर्मी पर्सन थे या डोमेस्टिक या सिविलियन जो थे जो लड़ाई में लड़ रहे थे ज़मींदार थे पीजेंट्स से वो ट्रेंड नहीं थे ना उतना पैसा था ना उतना खाना था ना उतना मॉडर्न वेपन्स था कि हम ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट लंबे समय तक खड़े हो सकते देन द लीडर्स डिड नॉट अ लार्ज फॉलोइंग बहादुर शाह जफर को लोग इतना पसंद ही नहीं करते थे कि उसके साथ आए ही वॉज टू ओल्ड टू इंस्पायर पीपल कि आप फाइट करो था ही नहीं लैक ऑफ लीडरशिप आप कह सकते हो द ब्रिटिश मेड ऑप्टिमम यूज ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ फैसिलिटीज जो हमारे पास नहीं थी हमें अगर दूसरे तक मैसेज पहुंचाना है तो कैसे कम्युनिकेट करें बहुत लंबा टाइम लगता था एक व्यक्ति को या मैसेंजर को इधर से उधर भेजने में और ये तो टेलीग्राफ और रेलवे से मैसेज पास ऑन कर देते थे तो वो इंफॉर्मेशन वो कम्युनिकेशन इफिशेंटली नहीं हो पाया इस वजह से भी ये रिबेल फेल हो गया अब नेचर ऑफ इलाइट एंड पीस एंड पार्टिसिपेशन को अगर हम देखें बेटा 100 हंड्रेड ऑफ देयर रूल ब्रिटिश ने ना एक नई क्लास इमर्ज कर दी थी डेट इज मिडल क्लास हमारे जैसे लोग जो बहुत ज्यादा रिच नहीं है जो बहुत ज्यादा पुअर नहीं है दिस कंप्राइज़ द जमींदार राइट टू कलेक्ट द लैंड जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दे दिया जमींदार को कह दिया भाई तुम टैक्स कलेक्ट करो एज देयर इनकम वॉज डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश दे रिमेन लॉयल टू दैम अब जमींदार को तो पता था जितना ज़्यादा दूंगा ब्रिटिशर्स मुझे उतना ज़्यादा देंगे उतनी ही पोस्ट देंगे उतना ही हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो इंडियन को ही एक्सप्लोइ करने लग गए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लाने में द पीपल एजुकेटेड दस बार इंप्लॉयड बाई द ब्रिटिश अब जिन्होंने एजुकेशन ली वो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं They were many traders and industrials. Industrialists who derived many benefits from the British. So British ke loyal British. So ye new elite class thi that were loyal to the British. Moreover, the rebel leaders raised absolute issues and favored the Sati custom and child marriage. They did not like to support these issues. So they supported the British. History is witness.

ये थी डिस यूनिटी और बिगेस्ट फेलियर ऑफ दिस रिवर्ट सिपाही म्यूटनी की बात करें या हम ये कहें कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था क्या नाम देना चाहेंगे हम इस अट्ठारह के विद्रोह या क्रांति को आर कंट्री वॉज अंडर द फॉरन रूल बहुत सालों तक बहुत सारे इन्वेडर्स भी आए नो वंडर दैट वी कॉल अकबर द ग्रेट Because such distorted history, British too did this. They play down the extent of the uprising in 1857. आज भी जैसे हम पढ़ते हैं ना अकबर the great why why the great जो जो invaders आए जो जो हम पे हमला करके गए हम उनके बारे में क्या पढ़ रहे हैं क्या सीख रहे हैं ब्रिटिशर्स ने यही चाल चली वो देख रहे थे भाई इनको जो पढ़ाओ ये यही पढ़ लेते हैं अपनी हिस्ट्री में जाते नहीं है इंटरप्रेट नहीं करते कि री इंटरप्रेट हिस्ट्री एंड फाइंड आउट द राइट वे उन्होंने क्या किया इस अपराइजिंग को ये कहा इट इट नॉट द अपराइजिंग कहास्ट दिपोई म्यूट नहीं कोई बड़ी वॉर नहीं थी उन्होंने यही दिखाया सभी लोगों को वर्ल्ड को कि इंडिया में कुछ नहीं हुआ कुछ सिपाही थे विद्रो करने पर आ गए बस विनायक दामोदर सावरकर वॉज अंग मैन ही अबाउट फिफ्टी ईयरस आफ्टर द अपराइजिंग इट वॉज बाई चांस दैट ही है उन्हें डॉक्यूमेंट्स मिले जिसने सजेस्ट किया कि ये तो सिपाही म्यूट नहीं थी नी ब्रिटिशर्स ने इतने सालों तक ये पढ़ाया कि कुछ सिपाही उठे उन्होंने विद्रो कर दिया छुट्टी और सारी डॉक्यूमेंट्स को छुपा दिया ये सावरकर जी थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइंड आउट किए 1857 इंसिडेंट वाज नॉट लिमिटेड ओनली टू द सिपाही उन्होंने लोगों को बताया नहीं नहीं इसमें सिपाही नहीं थे इसमें बहुत सारे लीडर्स थे इसमें बहुत सारे राजा थे बहुत सारी रानी इन्वॉल्व हुई थी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए थे अलग अलग कम्युनिटी के लोग यूनाइट हुए थे हिस्टरी रिकॉर्ड न्यूज पेपर डिस्ट्रिक्ट गैजेट अवेलेबल इन द लंडन लाइब्रेरी और वहां से उन्हें पता चला देन ही टर्म डेड इट वॉज नॉट अ रेबेल इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी थी इन लोगों ने एंड ही रोट द बुक ऑल्सो इन दिस नेम इन मराठी बट इट वॉज बैंड जब उन्होंने ऐसी बुक लिखी ब्रिटिशर्स ने देखी ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया कोई पब्लिश नहीं होगी है सावरकर सक्सीडेड टू गेट इट पब्लिशली सीक्रेटली पब्लिश करा ली उन्होंने इन द लेटर टाइम्स दिस बुक हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इन टू द सेवरल लैंग्वेज लोगों तक पहुँची बात और आज़ादी के बाद मैनी हिस्टोरियंस हैव रिसर्च ऑन दैट टॉपिक किस सावरकर ने ऐसा लिखा है तो उस पर रिसर्च हुई और फाइनली हिस्टोरियंस ने कहा कि ये रिबेल नहीं थी ये अपराइजिंग नहीं थी इसे तो बहुत बड़ा नाम देना चाहिए इट डिज़र्वड मच जो ब्रिटिशर्स ने कह दिया कुछ सिपाही उठे और हमने मार दिया 1857 में बहुत कुछ हुआ इसको बहुत बड़ा टाइटल मिलना चाहिए कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द रिवॉल्ट की बात करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा था आंसर नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड इंडिया बट नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप सही से रूल नहीं कर रहे अब जो चार्ज था इंडिया का वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गया जो ब्रिटेन में बैठी हुई थी ना इंग्लैंड में गवर्नमेंट डायरेक्टली उन्होंने कंट्रोल ले लिया और कंपनी के रूल को एंड कर दिया न्यू एरा ऑफ ब्रिटिश मिस रूल वॉज बिगेन द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज चेंज इन टू द वॉइस राय कि अब कौन आएंगे वॉयस राय आएंगे लंडन से भेजे जाएंगे यहाँ पर इंडिया को रूल ओवर करेंगे और यहाँ से फर्स्ट वॉइस राय जो इंडिया में भेजे गए वो थे लॉर्ड कैनिंग क्वीन विक्टोरिया आप देख रहे हैं ना डायरेक्ट रूल इनका आ गया और लॉर्ड कैरिन को भेजा गया एज ए फर्स्ट वाइस राय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एश्योर्ड द प्रिंसेज डेट देयर टेरेटरीज वुड नो मोर ए नेक्स्ट अब उन्होंने कहा कुछ समय के लिए शांति रखते हैं कोई लड़ाई नहीं कोई बैटल नहीं जो अब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हीं के पास रहेंगे द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन द राइट टू फेथ आपके जो राइट टू फेथ हैं आप करिए दे कु नाउ बी अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट ऑल्सो मिलेगी अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आपको हाई पोस्ट भी मिलेगी अच्छी सैलरी भी मिलेगी देन अ जनरल एक्सेप्ट दोस्ट हु थोड़ा सा जो पकड़े गए थे अठारह सावन की क्रांति में जेल में जो थे अगर उन्होंने मर्डर नहीं किया किसी ब्रिटिशर्स का तो थोड़ी उनकी पनिशमेंट कम की गई नाउ द ब्रिटिश नाउ स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इस तरीके से नहीं करना चुपचाप से डिवाइड करो रूल करते जाओ डिवीजन का बीज बो दो अरे तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो धर्म के नाम पे बो कास्ट के नाम पे बो पर बो ये बीज डिस यूनिटी लेकर आओ आपस में लड़ेंगे तो हम रूल करेंगे जो आज तक हो रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्राइजिंग वॉज दैट इंडियन बिकेम अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस था ये इफेक्ट था कि इंडियंस को लगा हमें आजादी मिल सकती है नेशनलिज्म की फीलिंग आने लग गई आफ्टर एटीन फिफ्टी सेवन द नेशनल मूवमेंट स्टार्ट इन टू वे समीपल रेज आम लाइक वहाबेज इन उत्तर प्रदेश गुरु राम सिंह इन पंजाब टिकनजीत इन मणिपुर वासुदेव बलवान फाड़के इन महाराष्ट्र पीसफुल नेशनल मोमेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ने महात्मा गांधी ऑल्सो तो बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर आए और अब नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आने लग गई रोल ऑफ वर्ना एंड इंग्लिश प्रेस की बात करें वर्णाकुलर मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में और इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रेस आई जो पब्लिशिंग हुआ न्यूज़पेपर जो थे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे और आज भी हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इट वॉज नॉट ईजी टास्क फॉर इंडियन टू पब्लिश द न्यूज पेपर क्योंकि इंडियन को आज़ादी नहीं थी कुछ भी लिखने की या कुछ भी पब्लिश करने की विदाउट एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स स्टिल वर्नाक्यूलर एंड इंग्लिश प्रेस हैज सक्सीडेड टू गिव सम इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स ऑफ द अपराइजिंग हमें मिले इम्पॉर्टेंट रोल वो स्पेसिफिकली प्लेड बाय द उर्दू एंड इंग्लिश न्यूज़ पेपर वाइल्ड द वर्नाकुलर न्यूज पेपर जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में प्रिंट हुए थे उन्होंने रिपोर्ट किया इवेंट को फोकसिंग ऑन द ब्रूटैलिटी ऑफ द ब्रिटिश जब हमें ये न्यूज पेपर के आर्टिकल मिले तो पता चला कि कितनी बुरी तरीके से इन्होंने लोगों को मारा है हाउ क्रूअल देवर और उस समय के न्यूज़ पेपर जो थे सुल्तान अकबर त्रेसा में लखनऊ

What we have studied in this chapter, the imperialistic ambition of the company rose after the battle of Plassey. Then they thought that India should conquer Wide variety of people rose in rebellion from time to time. Then there were number of political, social, religious, economic, military causes which gave birth to the uprising of 1857. Then uprising started at Meerut and then spread to the whole of the North India. When the British suppressed the uprising most brutally over the period of two years. Then the unity of purpose and lack of resources, two main causes for the failure of this uprising. The true nature of the uprising as the first war of independence that was brought out by the Savarkar the company rule was replaced now the rule went in the hand of british government after this uprising so i hope you understand each and every topic now it's your turn do the exercise carefully